Hi everyone, good morning, good evening. We are team Data Detox Developers. And I am Nitesh Patel, I am team leader, and our team members are Vinayak. Myself is Vinayak. I am acting as a co-leader in Data Detox Developer team. Here we are working on the title. तो हमारा प्रॉब्लम जो सेगमेंट है सेंट्रलाइज्ड नशा मुक्ति डेटाबेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं और उसके अंदर जितने पेशेंट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोग्राम चलाना है नशा मुक्ति से अभियान से रिलेटेड तो वहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया को टारगेट करके और सिर्फ उस एरिया में ही जो भी प्रोग्राम है वहाँ पे रन करा पाए इसका जो बेस्ट केसेस है क्योंकि सर जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग एडिक्टेड भी हो रहे हैं गलत चीज़ों से जैसे कि ओवरऑल देखा जाए तो 1% ऑफ पॉपुलेशन 120 मिलियन पीपल्स एडिक्टेड है नशे से तो जिस वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे जो नशे से एडिक्टेड हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह चाहता है कि एक ऐसा हम सोल्यूशन क्रिएट कर पाए कि इंडिया में जितने लोग हैं जो नशा से एडिक्टेड है या फिर वो किस स्टेज पर हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इन सारी चीज़ों पर डेटाबेस उनके पास में होना चाहिए तो इस चीज़ के लिए हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं एक पहला नॉर्मल यूजर मान लीजिए कि हम एक पेशेंट है और हम नशे में हैं या हम नशा के एडिक्टेड हो चुके हैं तो हमने अब सोचा कि हम इस नशा के एडिक्शन से हटना चाहते हैं इससे हम लत को छुटाना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि हमारे साइड पे एक फॉर्म रहेगा उस फॉर्म पे हम एक फॉर्म पे करेंगे कि हम मेरा नाम क्या है इन्फॉर्मेशन रहेगा और हम किस नशे से एडिक्टेड है ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा हमारे स्टेट में एक नॉर्मल पेशेंट के लिए जिसमें वो खुद का रजिस्ट्रेशन करेगा और उसका डेटा जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में शेयर होगा और उसके साथ ही साथ नजदीकी जो भी रजिस्ट्रेशन सेंटर होगा वहाँ पर वो डेटा शेयर होगा तो उनके पास में एक रिकॉर्ड बनेगा दूसरा ये केसेस हो सकता है कि हमारे जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है तो वो एक चाहते हैं कि हम प्रोग्राम वहाँ पे कंडक्ट कराएं या जितने भी नशे से एडिक्टेड लोग हैं उनको हम टारगेट करें और उनको ठीक करने का हम ट्राई करें एडिक्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं या फिर वहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी रखें बहुत बार होता है कि नशे में जब भूत रहेगा आदमी तो क्या करेगा बहुत सारी गलत चीज़ें कर सकता है तो उस चीज़ को रोकने के लिए सिक्योरिटी पर्पज से यूज कर सकते हैं दूसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जब डेटा रहेगा कि इस स्टेट में इस लोकेशन में इतने लोग एडिक्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत बार होता है कि इस सब लत को छुड़ाने के लिए अपना अपना प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं तो उस केस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम रन कराए तो जो कि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला अगर हमारे पास में डेटा हो तो हम डेटा एनालिसिस करके उसका बेस्ट यूज केसेस कर सकते हैं और उसी लोकेशन पर अवेयरनेस प्रोग्राम रन कराएंगे जहां पे इसकी नीड हो और साथ ही साथ उस कंसर्न में जो भी उसके नजदीकी में रिहैबिलिटेशन सेंटर है उस रिहैबिलिटेशन सेंटर के पास में भी डेटा रहेगा जिससे रिहैबिलिटेशन सेंटर भी उस पेशेंट को रीच आउट कर सकते हैं दूसरी बात यह रहेगा कि हमारे जितने भी पेशेंट रजिस्टर्ड रहेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाय फिट बाय लोकेशन उनको हम ट्रैक कर सकते हैं और पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को हम ट्रैक कर सकते हैं कि पेशेंट किस लेवल पे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 करके इस टाइप से जिससे कि हम पेशेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने बहुत सारे इसमें फीचर ऐड करने का ट्राई किया है जैसे कि हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव एडिक्शन प्रोफाइल इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी पेशेंट है उसका हम एक डिटेल्ड प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसका हिस्ट्री रहेगा ट्रीटमेंट प्रोग्रेस एंड रिप्लेस हो जाएगा जिससे कि इन फ्यूचर हो सकता है कि जो पेशेंट अभी लेवल 2 पे है उसने कुछ दिन तक इसका ट्रीटमेंट लिया लेकिन उसने भी छोड़ दिया तो उस केस में जब हमारे पास में डेटा रहेगा तो हम उस पेशेंट को रीच आउट कर सकते हैं फिर से उसको टेलीफोनिक के द्वारा या अलग अलग मीडियम के द्वारा सेकेंड है कि इसका बेस्ट यूज केसेस कि रियल टाइम मॉनिटरिंग रहेगा लोकेशन वाइज हमारे पास में एक पेशेंट का पूरा डेटा है लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर सब लोकेशन जो भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में रहेगा उसके बाद थर्ड केस में हमारा आ सकता है इस लोकेशन पे बहुत ज्यादा एडिक्शन हो सकता है कोला है जिसकी वजह से हमारे जो भी सिक्योरिटी वाले वहाँ पर आएंगे वो वहाँ पर रीच आउट करेंगे और उस चीज को रिमूव करने का ट्राई करेंगे उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन सेंटर को हम डेडिकेशन कर सकते हैं जिससे कि और होता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर तो बहुत सारे इंडिया का लेकिन क्या सही लोग रन कर पा रहे हैं क्या उसके कुछ इफेक्ट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहा है तो अगर हमारे पास में डेटा हो कि उस
1000 स्टूडेंट 1000 एडिसेंट एडिटेड पूल जुड़ा हुआ है, तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें से कितने सही हो पाए अभी तक, इस टाइप का हो सकता है डेटा। उसके बाद इस पे एक एआई पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी ऐड करने का हमने सोचा है। मान लीजिए कि आप एक पेशेंट है, आप आपको महीने में चार बार जाना है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आपने उस महीने स्किप कर दिया, तो हम क्या करेंगे वहां पे एआई की मदद से एक वार्निंग सिस्टम कंडक्ट करेंगे डेटा शेयरिंग विद लॉ एनफोर्समेंट। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कोई भी लोकेशन है जहां पे बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है, तो हम उस डेटा को उस लोकेशन को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से शेयर कर सकते हैं। हमारा